नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बात करें तो काफी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां कच्चे तेल और चांदी में गिरावट है तो वहीं सोने के अंदर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, वहीं कॉपर में भी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के अंदर आज बाजारों के अंदर मिक्स माहौल देखने को मिल रहा है। जहां चांदी गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है तो वहीं सोना खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज सोने में निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है। और वहीं पिछले हफ्ते बीते सप्ताह हमने जबरदस्त गिरावट भी इसमें आते हुए देखी थी। दरअसल डॉलर में आ रही स्ट्रेंथ की वजह से सोने के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से डॉलर के अंदर कमजोरी आई है जिसकी वजह से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि निचले स्तरों पर एक बार सोने की कीमतें अपसाइड मोमेंटम में जाती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल सोने की कीमतें आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 46,000 के आसपास का सपोर्ट लेते हुए ऊपर में 46,800 तक ऊपर जा सकती हैं। आज भारतीय बाजारों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें विदेशी बाजारों में भी तो सोने की कीमतें $1,760 के लेवल को एक बार पार कर चुकी है और $1,766 का हाई लगा चुकी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि $1,760 के ऊपर सोने की कीमतों का सस्टेन करना यानी $1,780 तक इसको ऊपर ले जा सकता है। तो यहां पर सोने की अंदर जो रणनीति होनी चाहिए वो निचले स्तरों पर खरीदारी की रहनी चाहिए। आज इंट्राडे में भी सोने की कीमतों में तेजी बन सकती है। 46,600 से लेकर 46,800 का स्तर आज सोने के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात चांदी की करें तो चांदी में भी गिरावट के बाद खरीदारी जरूर लौटी है, लेकिन आज हल्के लाल रंग के साथ भारतीय बाजारों में शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 60,500 के आसपास चांदी खरीदारी की ओर जाती हुई दिखाई दे सकती है। आज गिरावट जरूर है लेकिन थोड़ा भी डिप आए यानी कि 60,400 से लेकर 500 की रेंज में इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है और 60,000 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसमें खरीदारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि ऊपर में चांदी 61,000 से लेकर 61,200 के स्तर दिखा सकती है। वहीं बात कच्चे तेल की करें तो आज विदेशी बाजारों में भी कच्चे तेल में नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों से गिरावट है और भारतीय बाजारों के अंदर भी आज कच्चे तेल में शुरुआत जो है वो गिरावट के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। 5,616 पर बहरहाल कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5,601 का लो लगा है और 5,622 तक के हाई हमने इसमें लगते हुए देखे हैं। दरअसल जो गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है कच्चे तेल के अंदर जो $78 के भी नीचे आ चुका है, ओपेक और उसके सहयोगी देश ऑयल सप्लाई की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं बना सकते हैं। इन खबरों के चलते एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि कच्चा तेल एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कच्चा तेल सप्लाई की चिंताओं के चलते गिरावट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि आगे चलकर कच्चा तेल निचले स्तरों पर एक सपोर्ट ले सकता है और नीचे में $72 के आसपास सस्टेन कर सकता है, लेकिन आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आज 5,580 से लेकर 5,640 की रेंज भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। यानी कच्चे तेल में फिलहाल के लिए बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाए मार्केट तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है 5,640 के आसपास। 5,580 से 5,560 का स्तर आज इंट्राडे में हो सकता है कि देखने को मिल जाए। वहीं अगर बात करें बेस मेटल्स की तो बेस मेटल में गिरावट के बाद वापिस से रौनक लौटी है, निचले स्तरों पर खरीदारी हावी हुई है। निकल, कॉपर, लेड, जिंक सब में आज बाइंग देखने को मिल रही है। निकल जो 1,300 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, आज उम्मीद की जा रही है कि 1,400 के ऊपर निकल सकता है, यानी 1,420 तक के स्तर निकल में आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉपर भी जो 700 के नीचे लुढ़क गया था वापिस से खरीदारी लौटी है और ऊपर में 720 तक का एक स्तर जो है इसका दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में 716 से 720 के स्तर संभव है कि बाजार में देखने को मिल जाए। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी 258 के स्तर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। इन स्तरों के लिए जिंक के अंदर भी बाय करके चला जा सकता है, यानी बेस मेटल के अंदर आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करके चला जा सकता है। ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर जहां आज कच्चे तेल में बिकवाली की कॉल है तो वहीं सोने चांदी में खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है।
सोने चांदी के साथ साथ आज बेस मेटल पर भी नजर रखनी चाहिए। बेस मेटल में वापस से खरीदारी हावी होती हुई दिखाई दे सकती है और कॉपर में ऊपरी स्तर संभव है कि 720 के बाद 740 तक वापस बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर के साथ निकल में भी खरीदारी की रणनीति आज लेकर चला जा सकता है।